उसके बाद मैंने एंटर करा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रही हमारी डोमेन, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रही हमारी डोमेन नेम, और ये रही हमारी साइट, जिस साइट के अंदर हम लोगों ने लिंक भी ऐड करा था, कुछ इमेज भी ऐड करा था। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रही हमारी साइट, और इस साइट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कस्टम डोमेन को ऐड करेंगे। ओके, तो पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे भी आप लोग की डोमेन है ना, उस साइट को आप लोग को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो होस्टिंगर के अंदर हमारी एक डोमेन पड़ी हुई है, उसी डोमेन को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। ओके, तो सिंपल आप लोग को आप लोग की डोमेन की साइट को ओपन करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपकी गूगल साइट को ओपन करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेटिंग के ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपल उसके ऊपर क्लिक करोगी, और उसके बाद कस्टम यूआरएल के ऊपर क्लिक करोगी, और यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आपकी जो डोमेन रहेगा ना उसे आप लोग को पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे पहले आप लोग को www. ऐड करना अनिवार्य है, तो आप लोग को सिंपल www. को ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद वेरीफाई योर ऑनरशिप, यहाँ पे आप लोग को एक बटन आ रहा है, सिंपल उसके ऊपर क्लिक करोगी। तो जैसे ही क्लिक करोगी ना, यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आपकी ऑनरशिप को वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। तो सिंपल यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया गया है आप लोग की जो भी कंपनी है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा यहीं पे। ओके, यहाँ पे होस्टिंगर देखने को नहीं मिल रहा है, सिंपल हम लोग अदर के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये जो कोड रहे ना, इस कोड को हम लोग क्या करेंगे ना, कॉपी करेंगे। ओके, और इसके अंदर आएंगे, होस्टिंगर के अंदर आएंगे, और मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, और मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद ना, यहाँ पे DNS एंड नेम सर्वर के ऊपर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यूज होस्टिंगर नेम सर्वर के ऊपर क्लिक करोगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इधर क्या करना पड़ेगा, नेम सर्वर को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल मैं उसे रिसेट DNS रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ओके, और अभी हम लोग क्या करेंगे ना, टाइप को क्या करेंगे, TXT रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये TXT रिकॉर्ड है। तो सिंपल हम लोग को क्या करना पड़ेगा, TXT को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद नेम के अंदर आप लोग को @ रखना पड़ेगा, और TXT जो वैल्यू रहेगा ना, यहाँ पे आप लोग को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद ये पे ऐड रिकॉर्ड के ऊपर आप लोग को सिंपल क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करोगी, ये सेव हो जाएगी। तो सेव हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेव हो चुकी है। सिंपल आओगे यहाँ पे वेरीफाई ऑनरशिप के ऊपर क्लिक करोगे, मतलब वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो मतलब डोमेन था ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुकी। तो गाइस अभी आप लोग को क्या करना पड़ेगा ना, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने इस तरह की एक ऑप्शन आ जाएगी। तो सिंपल आप लोग को वेरीफाई यूजिंग डिफरेंट मेथड के ऊपर सिंपल क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगी सिंपल। तो सिंपल आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक और नेम सर्वर को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल आप लोग उसे कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद आप लोग फिर से DNS मैनेजमेंट का अंदर जाओ, और आप लोग यहाँ पे सी नेम को सिलेक्ट करो, और नेम के अंदर यहाँ पे इसको ऐड करो। सी नेम के अंदर आप लोग को क्या करना, मतलब टारगेट के अंदर इसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे आओ, टारगेट के अंदर ये पेस्ट करो, और ऐड रिकॉर्ड के ऊपर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। उसके बाद आप लोग को जाना पड़ेगा, इसके अंदर आना पड़ेगा, और वेरीफाई के ऊपर सिंपल आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्रेट जॉब, www.securepassword.xyz इज नाउ वेरीफाइड, यू कैन यूज गूगल सर्विस फ्रॉम योर प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो डोमेन था ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुकी है। अभी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लर्न मोर के ऑप्शन आ रहे हैं ना, सिंपल लर्न मोर के ऊपर क्लिक करोगी। तो जैसे ही क्लिक करोगी, यहाँ पे आप लोग को बेसिकल और एक नेम सर्वर ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे आप लोग को एक सी नेम ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सी नेम को ऐड करेंगे यहाँ पे www। ओके, और ये रहा हमारा सी नेम। ओके, मैं उसे कॉपी करता हूँ, और अभी हम लोग क्या करेंगे, होस्टिंगर की DNS मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे ये सी नेम को हम लोगों ने ऐड करा, और यहाँ पे www को ऐड करा, और टारगेट के अंदर हम लोगों ने
उसी को ऐड करने के बाद ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर, तो जैसे ही यहाँ पे सेव करोगे ये सेव हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो DNS रिकॉर्ड सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुकी है। तो अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग टाइप के अंदर सीनेम ऐड करो, नेम के अंदर ये जो आप लोगों ने कॉपी करा था उससे ऐड करो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप लोग की टारगेट जो है ना, आप लोग की मतलब ये रही टारगेट, उससे आप लोग को ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे ऑलरेडी सेव हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग के सामने इस तरह की कुछ मतलब एरर आ रहा है ना, तो आप लोगों ने अगर ब्लॉगर के अंदर ये डोमेन को ऐड करी होगी तो वहाँ से आप लोग को डिलीट करना पड़ेगा। जैसे डिलीट कर दोगे तो फिर से मैं इस डोमेन को मतलब कॉपी करा, उसे पेस्ट करा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये असाइन हो चुकी है। तो सिंपल आप लोग इसी तरह से जो है ना, आप लोग के डोमेन को ऐड कर सकते हो। तो गाइस जो अभी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे असाइन के ऊपर सिंपल क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही असाइन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग की जो डोमेन नेम है ना, यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो सिंपल आप लोग यही डोमेन नेम को यहाँ पे अगर सर्च करोगे अभी, तो शायद अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि इसका जो प्रोसेस होती है कुछ देर लगती है। उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हो, ये वर्किंग जरूर करेगी। और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है ना, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोग की जो भी क्वेरी होगी, जो भी प्रॉब्लम आई होगी, उसे सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा। ओके, तो ये जो अभी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो डोमेन है ना, यहाँ पे हम लोग देख सकते हो ऐड ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी 10 से 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस डोमेन को अभी सर्च करेंगे, देखेंगे कि हमारी जो साइट है लाइव हुई है या नहीं। तो सिंपल क्या करते हैं, हम लोग वो डोमेन को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद मैंने एंटर करा, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रही हमारी डोमेन, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रही हमारी डोमेन नेम, और ये रही हमारी साइट, जिस साइट के अंदर हम लोगों ने लिंक भी ऐड करा था, कुछ इमेज भी ऐड करा था और पोस्ट को भी यहाँ पे ऐड करा था। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोग को इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर दिन एक जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते रहते हैं। अगर गाइस कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। गाइस इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को आप लोग जाके फॉलो भी कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।